इलाहाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस के हॉट स्टॉप चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शे में टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हो गई, तो उसने बुजुर्ग समेत 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए आपको दिखाते हैं इस घटना को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी का क्या कहना है। क्या घटना हुई? क्या कह रहे हैं? घटना बहुत तेजी से गाड़ी उस रोड से आते हुए पहले तो वहाँ हॉट स्टॉप के पास 2 लोगों को मारा, फिर उसके बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ के एक रिक्शे वाले को मारा और एक बच्ची को मारा। फिर यहाँ पे जबरदस्ती हम लोगों ने उसकी गाड़ी को रुकवाया यहाँ पे, फिर यहाँ से उतर के ड्राइवर भागा उस साइड को, शायद वो पकड़ गया वहाँ पर। कितने लोग घायल हुए? घायल हुए 6-7 लोग। बहुत स्पीड में था? बहुत स्पीड में, दो की हालत बहुत सी, उसको किसी तरह भी एक पुलिस की गाड़ी बटा रही है, एम्बुलेंस में लेकर भेजा गया हॉस्पिटल, और 2 लोगों को प्राइवेट गाड़ी दिया। गाड़ी का सरकारी विभाग की है? सरकारी विभाग की गाड़ी का नंबर लिखा हुआ, गाड़ी इलाहाबाद की बाहर की है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार गाड़ी से हुए एक्सीडेंट को देखकर वहां खड़े लोग भयभीत हो गए थे। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भयानक था। SPN 9 न्यूज के लिए इलाहाबाद से आदिल अंसारी की रिपोर्ट।